करवा चौथ के अवसर पर रविवार को मध्य प्रदेश के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी और बादल छाए रहे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इसका बड़ा कारण ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम का एक्टिव होना है, जिसने बारिश की स्थिति को पैदा किया। खासकर पश्चिमी मध्य प्रदेश के इंदौर और धार जैसे जिलों में बारिश रिकॉर्ड की गई। चलिए इस वीडियो में आपको मध्य प्रदेश के मौसम का हाल बताते हैं। राजधानी भोपाल में दिन भर तेज धूप के बीच रात को तापमान में गिरावट देखने को मिली। ये स्थिति प्रदेश के अधिकांश जिलों में देखी जा रही है, जहां तापमान में भारी अंतर देखने को मिला। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट के साथ गुलाबी ठंड का असर बढ़ रहा है। सुबह के समय हल्की धुंध भी देखी जा रही है, जिससे ठंड का एहसास और ज्यादा होने लगा है। रविवार को प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले समय में दिन और रात के तापमान में और ज्यादा अंतर देखा जा सकता है। इस दौरान शनिवार को बैतूल जिले में दिन का अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये प्रदेश का सबसे कम तापमान रहा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को प्रदेश के कई जिलों का हाल कुछ ऐसा था। मंडला में 27.2 डिग्री सेल्सियस, नर्मदापुरम में 27.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं पंचमढ़ी में रात का तापमान सबसे कम रहा, जो कि 16.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे वहां के लोगों को ठंड का एहसास हुआ। मौसम विभाग ने आने वाली रात में राजगढ़ और आगर मालवा जिलों में बिजली चमकने के साथ हल्की आंधी और बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही बैतूल, छिंदवाड़ा, पाढुरना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, ढिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर और नर्मदापुरम जैसे जिलों में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। आने वाले दिनों में मौसम की गतिविधियों और तापमान में बदलाव होने की संभावना बनी रहेगी। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी ट्रिप प्लान करें और ठंड के बचाव के उपाय करें। साथ ही रोड ट्रिप के दौरान बारिश की वजह से ज्यादा सतर्क रहना भी जरूरी है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें लोकलिटी।